सखदेव भगवान की। नारद जी महाराज भगवान का दर्शन कर बड़ा कृतार्थ हो गया। नारद जी महाराज को आवनो जान देख भगवान विष्णु अपना आसन को खड़ा ले गया। देखो नारद जी महाराज भगवान भी दर्पे दर्पा कोई कारण हो। नारद जी महाराज टिबी जाता माने आदर मल तो समान मल तो आसन मल तो माने अवकार मल तो भी कोई एक कारण हो। नारद जी महाराज खत्म ना रह जाता लेकिन अड्डी की बात अड्डी कर को नारद जी महाराज ने छोड़ता। पहला तो एक ही नारद जी हा और आगे मिलने वा सामर्थ्य भी ही कहीं भी बात अड्डी के अड़ने करना आगता तो पाजी वा समेट भी लेता। लेकिन आजकल भी गांव गांव के मिलने नारद ले गया है। ई बात है कथा को पहलो ज्ञान है कि नारद विद्या ने पहला नारद विद्या फैला तो था लेकिन अवेयरनेस थोड़ी मुश्किल पड़ जाए। नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु के बाल आगा पधारो नारद पधारो। आज आपको अचानक वैकुंठ के मिले पधारवा को कई कारण है। नारद जी महाराज के बाल आगा अंदाजा मैं तो खाली आपके दर्शन को प्यासो हो ई बात है आपका दर्शन के लिए हाजिर भी हो भगवान के पास लगो वरना काम नारद बिल्कुल वैकुंठ में नहीं आ सके है फिर भी काम जरूर है। नारद जी महाराज के पास लगा दाता मैंने जो आवा को जो कारण पूछो मैं छह लोगों की यात्रा करते करते सातवा लोग मृत्यु लोग में जा ही निकले हूं। मृत्यु लोग का प्राणियों ने मुंह खूब दुखी देखा है और संसार का जीवक दुख लेकर के आपका समक्ष में हाजिर भी हो ई बात है अशुभ सर्व उपाय भी जतन भी साधन भी कई वृद्ध में कई विधान है तो बता दो जी का धारण करो ये संसार का जीव अपना जीवन में सुख में व्यतीत कर सके। नारद जी महाराज की बात और भगवान विष्णु के बल लगाओ। नारद जी महाराज संसार के जीव की बात करो संसार का जीव दुखी है आपने कर्म के अनुसार दुखी है केवे की करनी करे तो क्यों डरे करके क्यों पछताए वो भी पेट बबूल का प्यारे आम कठासे खाए खेत के मैंने आप ही जिसो बीज बोमा बशी भगवान फल प्रदान करे खेत के मैंने आपने हाथों बोला का बीज बोमा अच्छी विचार करा यहाँ के अंबा लाग जावे यहाँ के कीड़ा लाग जावे जो फल नहीं मिल सके जैसी करनी वैसी मरनी। नारद जी महाराज संसार का जीव दुखी अपने कर्मों दुखी संसार का जीवा के लिए नारद जी महाराज बार बार भगवान ने निवेदन करवा लगा है। भगवान विष्णु ने नारद जी महाराज के पास लगाओ हे प्रभु कहीं भी गया लेकिन संसार का जीवा के लिए कई न कई उपाय आपने जरूर बताना पड़ी। नारद जी महाराज ने भगवान के पास लगाओ नारद जी सभी प्राणी अपने कर्मों दुखी है कर्म गति बलवान है कर्म गति किसान बलवान है। एक दान एक शेर जी गामड़ो करवाने जा रहा गाम बाने निकले शेर जी और वह शेर जी ने मनक की खोपड़ी नजर आई मनक की खोपड़ी नजर आई शेर जी भी मनक की खोपड़ी ने उठाई तो भी खोपड़ी के ऊपर लिखो थको बेणो जो तो वेगियो थोड़ो और पर भी खोपड़ी के ऊपर लिखो थको तो बेणो जो तो वेगियो थोड़ो और बाकी शेर जी विचार की तरह मनक मर गयो या खोपड़ी ठोकरा में जा रही है अबे के और नहीं वेणो बाकी सेठ जी विचार के तो जो भी वेणो भी जो अपने घरे वे जाई खोपड़ी ने अपने घरे ले सेठ जी उठे भी मन की खोपड़ी ने अपना जोड़ा में धर दी और घर लाकर के भी खोपड़ी ने रख दी। सेठ साहब गामड़ो करवा जावे भगवान की अगरबत्ती करे भी खोपड़ी के भी अगरबत्ती कर पछे गामड़ो करवाने निकला है। यूं करता था चार पांच दिन निकलिया एक दिन सेठानी घर की समय करती थी कि भी कमरा के में जाए निकली शेटानी की नजर पड़ी भी मन्नत की खोपड़ी के ऊपर शेटानी विचार की दो शेठ जी वेन वेगटन के जादू टोना ही गिर आया और घर में एक निकलेश भी विघन भी मन्नत की खोपड़ी ने अपने घर में खड़ी करे है और शेठानी उठे भी मन्नत की खोपड़ी ने हमा दस्ता के महीने भी ने आछी जब्बल भी को चूरण बना भी को आटो बना और मेड़ी के बड़ी पाड़े डाल दी थी। दूसरे दिन शेठ साहब भगवान की अगरबत्ती करे अटने वटने देखभाल लगा वहां मन की खोपड़ी कट नजर नहीं मन की खोपड़ी नजर नहीं आप शेठ जी आपने शेठानी से पूछवा लगा शेठानी जी अटे में मन की खोपड़ी लग रही आप देखी तो नहीं शेठानी के पास लग गयो शेठ जी आपके मन की खोपड़ी कहीं लेनो देनो है। शेठ जी के पास लगा मारे मन की खोपड़ी कहीं लेनो देनो नहीं है लेकिन भी खोपड़ी के ऊपर लिखो थको वेणो जो तो वेगियो थोड़ो और बाकी वो बाकी कई हो वो मारे देखनो हो
शेठानी के बल अजू शेठ साहब टेंशन मतलब बाकी हो वो मैं कर कह दियो की बात है कर्म प्रति बलवान है बल सतरी भगवान की। नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु के बल आगो नारद जी महाराज संसार का जीव दुखी अपने कर्म के अनुसार दुखी है। नारद जी महाराज के बल आगा प्रभु कई भी भेजा लेकिन संसार का जीवा के लिए कई के सरल साधन उपाय व्रत विधान जरूर बतानो पड़ी। नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु के बल आगो नारद जी महाराज संसार का जीव संसार का प्राणी अगर अपना जीवन में सुख में व्यतीत करना चाहे धारण करना चाहे तो वो ही सत्य व्रत। नारद जी के बल आगा सत्य व्रत किसा दिन किसी तिथि किसा वार में करना चाहे कई व्रत का विधि विधान है ये भी आप मैंने बताओ। नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु के बल आगा की देव ऋषि की सुगत के लिए आपने बेटिया चेंज नहीं भेजा कोई बार कुत्ती निचित नहीं किया जाना सदिश पर ये मन में सच्चा बाल नहीं भगवान के भक्ति के प्रति मन के बिना हाजी भावना जरूर रहनी चाहिए और बशात में सभी बार में सभी तिथियां उत्तम है लेकिन महीना के बिना एक संक्रांत दिया भी जिन्हें आप सभी प्राणी पूनम के वहां पूनम के दिन प्राणी ने सुबह जल्दी उठ करके स्वच्छ आदि निर्मित स्नान ध्यान कर और सत्यदेव भगवान का व्रत नहीं धारण कर लो। माता बहनों निवेदन थोड़ी कथा के मैंने भी ध्यान दो प्राणी ने सुबह जल्दी उठ करके स्वच्छ आदि निर्मित स्नान ध्यान कर भगवान सत्यदेव का व्रत ने धारण कर लो और पूनम के दिन एक विशेष बात को ध्यान रखनो विशाल तो आप कोई झूठ बोला नहीं हाँ लेकिन कने झूठ बोलवा को मावरो भी वे तो पूनम के दिन झूठ ने बोल झूठ ने त्याग देनो सत्य ने धारण कर लो आप भगवान को व्रत लेनो शाम के वक्त जटी भी आपको जीव राजीवे भगवान का मंदिर के ऊपर चार भैरवनाथ का मंदिर के ऊपर देवी स्थान के ऊपर अपना घर पे जिंदे भी आप जीव राजी में भी स्थान के ऊपर केले के पत्ता को सुंदर भव्य मंडप बना करके गणपति देव की स्थापना कर गणेश देवता की स्थापना करनी हाची भावना के साथ में सबसे भगवान की सेवा पूजा करनी साधु ब्राह्मण अपना संग में बैठ रात भर भगवान को जागरण देनो सुबह मिली ब्रह्म दक्षिणा ब्रह्म दान देकर की कथा को संकल्प सुधारो जो भी प्राणी आची भावनों वाली कथा ने करी मारा भोजन ने करी भी भक्त की हर एक मन की मनोकामना ने मैं पूर्ण कर। नारद जी महाराज जी पूनम का व्रत में होज हमज बड़ा राजीव्या भगवान विष्णु ने को आज्ञा ली दी और बेकुंठपुरी नारद जी महाराज रवाना गया चालता 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 संसार के में आकर के नारद जी महाराज ई पूनम के व्रत को जगह जगह प्रचार की दो जनी सजना जनी भगता ई पूनम का व्रत ने धारण की दो वो आगला अध्याय के मैंने बतायो है ई तीसरी स्कंद पुराण रेवा गणेश सत्य व्रत कथायाम संगीत में प्रथम अध्याय अरे भगवान की कथा को पहलो अध्याय कटी संपूर्ण जो है दूसरा अध्याय प्रारंभ है बल सतरी भगवान की जय हो। सूत कहे पुनि कथा यो सुनो ऋषि काशीपुरी भी ख्यात कावे विपशतानंद अति दुख पावे दुखी पिक्षा कर लावे ना से अपनों कुछ